STEM Solutions. Discover yourself. Hello human aliens, welcome back to STEM Solutions. Let's get started with Newton's model of fluid flow in the subject of aerodynamics. So let's get started. Newton's model of fluid flow. What it tells, Newton assumed that upon striking the surface, you can assume any surface or a wedge of a ship inclined at an angle theta to the stream. Stream is any uniform flow which Newton has assumed of the fluid. The particles would transfer their normal momentum of the surface, but their tangential momentum would be preserved. What it says that when a fluid flows past a surface, upon striking at an angle theta, the transfer of momentum will be onto the surface and the fluid will move tangentially along the surface. Hence, the collision after the surface and the particles would then move along the surface. The same thing I said earlier. In Hindi, what happens is जब भी कोई फ्यूड किसी भी शिप के वेज या उस टाइप के ट्रायंगल शेप के ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो उसके बाद जो भी उस पार्टिकल का मोमेंटम होगा अलॉन्ग द सरफेस वो ट्रांसफ़र हो जाएगा और वो जो फ्यूड होगा वो अलॉन्ग द सरफेस क्या हो जाएगा, मूव करने लग जाएगा. जैसे कि यहाँ पे है, ये वेज शेप का एक शिप का हॉल है, ये एट एन एंगल थीटा एंगल ले रखा है, यहाँ पे यूनिफॉर्म या रेक्टिलिनियर मोशन ले रखा है, न्यूटन ने एज्यूम कर रखा है. जब वो यहाँ से नॉर्मली टकराएगा तो जो मोमेंटम होगा यहाँ पे लॉस हो जाएगा एंड देन ये जो फ्लूइड है ये टेंजेंशियली यहाँ से पास आउट हो जाएगा. ठीक है. न्यूटन साइन स्क्वायर लॉ. व्हाट इज टेल्स हाइड्रोडायनेमिक फोर्स ऑन सरफेस वेरीज एट साइन स्क्वायर थीटा. हाइड्रोडायनेमिक फोर्स वो होता है द फोर्स ड्यू टू वाटर और फ्लूइड. ओके, और जो ये हाइड्रोडायनेमिक फोर्स है वो साइन स्क्वायर थीटा के अकॉर्डिंग वेरी करता है. न्यूटन साइन स्क्वायर लॉज होल्ड्स गुड ओनली फॉर द एंगल्स बिटवीन 50 एंड 90 डिग्री. ये जो साइन स्क्वायर का लॉ है ये सिर्फ एंगल्स बिटवीन 50 एंड 90 डिग्री के लिए ही ये एक्यूरेट या प्रिसाइज रिजल्ट्स देता है. अगर एंगल 50 या 90 डिग्री से छोटा या बड़ा है तो ये जो लॉ है वहाँ पे फेल हो जाता है, यहाँ पे एक्यूरेट रिजल्ट हमें नहीं मिलते. और इस करेक्शन को करने के लिए हम एक यूलर्स का नया लॉ पढ़ेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में. और जो ये न्यूटन्स का साइन स्क्वायर लॉ है ये हाई स्पीड एरोडाइनमिक्स में भी यूज़ होता है आगे चल के. वी विल सी दैट लेटर दैट न्यूटन साइन स्क्वायर लॉ इज़ एप्लीकेबल इन हाई स्पीड एरोडाइनमिक्स. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग. Hit the subscribe button for 360-degree experience. Like and share with your friends and family. Don't forget to hit the subscribe button. Thank you.